पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव जो होते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इसके नियम देख लीजिए, ठीक है, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव के, तो सबसे पहले सेंटेंस में मेन क्या होता है, कर्ता, यानी कि बोले तो सब्जेक्ट मेन होता है ना। तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर लग क्या रहा था, कर्ता से पहले हैड लग रहा था, क्या लग रहा था, हैड, और कर्ता के बाद में क्या चल रहा था, बीन लग रहा था, यानी कर्ता हमारा बीच में रहता था, ठीक है। तो हैड बीन जो है, ठीक है, इसके बीच में कर्ता रहता था, ये हमारा रूल चल रहा था। लेकिन यहां पर अब आपका डब्ल्यू एस टाइप आ गया, अब डब्ल्यू एस टाइप जो क्यू वर्ड होगा वो सबसे पहले रहेगा, हमेशा की तरह आप तो रूल जानते हैं, ठीक है, हेड से भी पहले हम रखेंगे वो डब्ल्यू एस टाइप, जो भी होगा डब्ल्यू एस टाइप क्यू वर्ड जो भी हमारा होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द जो भी होगा पहले। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, और कर्ता के बाद में क्या रहता है, बीन रहता है। अब यहाँ पे डब्ल्यू एस टाइप कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए, जैसे वार्ड, सॉरी, शब्द मिल जाए आपको, ठीक है, वार्ड, वेयर, व्हाई, व्हेन, ठीक है, कोई भी आपको प्रश्नवाचक मिल जाए तो उसका प्रयोग हम सबसे पहले करें, यानी कि हेड से भी पहले होने का है, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्यू वर्ड जो आपको मिलेगा सेंटेंस में, हमें सबसे पहले उसी को उठा के लिख लेना है पहले, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर टू, फिर हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है, ये उच्चन बहुचन वाला लोचे ही खत्म है, हेड ही लगाना है हमें, ठीक है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ठीक है। और नंबर तीन पे क्या है, सब्जेक्ट, और फिर नंबर चार पे क्या है, बीन लगाना है। तो वन टू थ्री फोर, ठीक है, देखिए, वन टू थ्री फोर, वन नंबर पे आपको क्यू वर्ड ढूंढ के लिखना है, सबसे पहले सेंटेंस में कहाँ पे दे रखा है उसी को लिखना है, व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है, वेयर है, जो भी हो, ठीक है। फिर नंबर दो पे हमें क्या लगाना, हेड लगाना रहेगा, और नंबर तीन पे क्या लगाना रहेगा, सब्जेक्ट, वो जो भी होगा सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर चार नंबर पे बीन लगाना है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, समझ गए होंगे, पहली बात हमने इंट्रोगेटिव और निगेटिव में भी, ठीक है, ये सब हेड बीन के बारे में बताया है, अंतर इतना है कि कहाँ पर ये चीजें, इसकी लोकेशन सिचुएशन बदल रही, बस और कुछ नहीं, बाकी सारी क्रिया तो वही सब है जो पहले हमने आपको बताया था। तो सब्जेक्ट से पहले हेड लगाना है और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना है। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, डब्ल्यू एस टाइप जो भी वर्ड होगा उसका सबसे पहले हम चयन करेंगे, ठीक है, यानी कि सबसे नंबर एक पे लिखेंगे, जो भी क्यू वर्ड सेंटेंस में होगा उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे अच्छी तरीके से, फिर उस क्यू वर्ड को उठा के लाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे, और बाकी तो नियम वही रहते हैं, क्रिया में क्या जोड़ते हैं, आईडी जोड़ते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, बाकी सब वही रूल है, ठीक है, बस यही थोड़ा चेंजेबल था, ठीक है, डब्ल्यू एस टाइप में। तो वो हमने समझा दिया आपको डायग्रामिक, चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, और हो सकता है याद हो गया होगा, ठीक है, डायग्राम इस तरीके से बना दिया है कि आप समझ जाएंगे। हम सीधे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, तो आज हमने ज्यादा सेंटेंस सिलेक्ट नहीं किए हैं, बहुत कम सेंटेंस हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे सेंटेंस हैं, उनको समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला है, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, ठीक है, तुम, ओके, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, ठीक है, ये हमारा जो है पहला सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा है, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था, ठीक है, यह लड़का 10 मिनट से, ओके, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था, कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था, ओके, ठीक है, ये हमारे दोनों सेंटेंस है, पहले सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले क्यू वर्ड ढूंढ के लाएंगे सेंटेंस में, क्वेश्चन वर्ड ढूंढ के लाएंगे, पढ़ो जरा इसको, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों मिला आपको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे भैया, हेड लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है,
यू। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, बीन, ठीक है। खेलना क्या होती है, प्ले, तो क्या कर देंगे भैया, प्लेइंग हो जाएगा। ओके, प्लेइंग, क्या प्लेइंग भैया, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे। फिर बोला है सुबह से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है, तो निश्चित समय हो गया, तो सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखो, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा आपको मिला, कौन सा उपन्यास है, कौन सा उपन्यास, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे, विश नॉवेल, विश नॉवेल, ओके, विश नॉवेल हैड, या प्रयोग करेंगे हैड, तो यह लड़का की इंग्लिश, दिस बॉय हैड दिस बॉय, अब बीन रहेगा बाद में, ठीक है, हैड दिस बॉय बीन, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो क्या कर देंगे भैया, रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, उपन्यास। अब उपन्यास के लिए तो विश नॉवेल हो ही गया सबसे पहले, ठीक है, नहीं नहीं अभी हमने लिखे ही नहीं, यहाँ पे विश नॉवेल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया है, ठीक है, हमें यहाँ पर ये नॉवेल के बाद में, सॉरी ये तो सही है, सॉरी दिमाग नहीं लगाया मैंने, ठीक है, कौन सा उपन्यास है, तो इसकी इंग्लिश हो गई ना, विश नॉवेल, ठीक है, हम दोबारा हमें यहाँ पे रीडिंग के बाद में नॉवेल नहीं करना है, ठीक है। फिर लिखना है 10 मिनट से, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, फॉर ऑफ टाइम, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैच कर दे सेंटेंस को थोड़ा, ठीक है, इसमें आपको क्यों मिला, हमने क्या लिख लिया, वाई, फिर क्या लगाएंगे, हेड, याद होना चाहिए, हेड लगाएंगे, ठीक है, यू, यू के बाद में रहेगा बीन, क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग हो गया, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, ठीक है, सुबह से निश्चित समय है, तो क्या लगा लिया, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला देखो, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था, तो कौन सा उपन्यास के लिए हम लिखेंगे, विश नॉवेल, क्या लिखेंगे, विश नॉवेल पहले कर दिया, तो अब लगाएंगे हैड, करता क्या है, यह लड़का दिस वाय, अब लगाएंगे बीन, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो रीडिंग कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर बोला है 10 मिनट से पढ़ रहा था, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे हम, फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, तो बहुत आसान सेंटेंस है, ज्यादा कोई टफ सेंटेंस नहीं है, समझ भी होंगे आप, ठीक है। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, पहले आप लोग समझ लिया करो, जैसे कि हमने पहले बताया था, पहले आप लोग समझ लिया करो, और बाद में जो है अगर लिखने वाले बच्चे जो नोट करते हैं, तो वीडियो प्ले करके दोबारा आप उसको लिख सकते हो, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो समझ में आ जाएगा वो बहुत बेटर रहता है, छापते रहोगे छापने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये बात का काम होता है। और एक बात, ये आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और पढ़ने वाले जो बच्चों उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है, आप लोगों से हमारा, ठीक है, अनुरोध निवेदन कुछ भी आप समझ लीजिए, ओके। अगले सेंटेंस हैं, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहां कर रही थी, बहुत बढ़िया सेंटेंस, देखो है, पुलिस चोरों का पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से 1 घंटे से कहां कर रही थी, कहां कर रही, कहां कर रही थी, ठीक, ओके। अगला है, तुम्हें 1 सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था, तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था, ओके, ठीक है, तुम्हें 1 सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था, ठीक है। पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहां, कहां, कीवर्ड मिल गया आपको, यहीं से शुरू करो बनाना इसको, तो
यही से बना लेते हैं, ठीक है। वेयर, तो वेयर हैड कौन, वेयर हैड द पुलिस, ठीक है ठीक है। वेयर हैड द पुलिस, अब लिखेंगे बीन, क्या लगाएंगे बीन, ठीक है। पीछा करना के लिए क्या होता है, चेज, चेजिंग हो जाएगा भैया, ठीक। स्पेलिंग रिवाइज कर रहे हैं भैया, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये थोड़ी नई मीनिंग आई है, पीछा करना पे से फॉलो होता है, ठीक है, फॉलो में से भी पीछे पीछा करना होता है, ठीक है। यहाँ पे चेज आया है, तो सी एच ए एस आई एन जी, ठीक, मतलब पीछा करना, ठीक है, चेज मीन्स पीछा करना, चेजिंग हो जाएगा। और किसका, ये भी बताइए, चोरों का पीछा हो रहा था ना, ठीक है, चेजिंग द थीफ्स, थीफ्स होगा वी ई एस। देखिए यहाँ पर वही रूल लगा है, यहाँ पर एफ होती है इसकी जगह, क्या होती है, एफ होती है इसकी जगह, यानी कि टी एच आई ई एफ होता है, थीफ मीन्स चोर होता है, यहाँ पे एक चोर नहीं है, बहुत ढेर सारे चोर हैं, तो बहुवचन बनाना है, तो हमने ये भी आपको पढ़ाया था, जहाँ पे एफ होती है तो एफ को हटा के क्या लगाते हैं, वी एस। तो इसका भी एक हमने वीडियो बनाया, बहुत अच्छी भाषा हमने आपको समझाया, ट्रिक वाइज समझाया है, बहुत अच्छी भाषा में, ठीक है। तो थीप्स हो जाएगा, फिर बोला है एक घंटे से, अब एक घंटे से निश्चित समय, तो क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, तो फार एन आवर हो जाएगा, मतलब एक घंटे से, ओके, क्वेश्चन मार्क। ये वाला देखिए सेंटेंस, तुम्हें एक सप्ताह से कौन रहा, कौन, ठीक है, हु से बनेगा सेंटेंस, ठीक भैया, तो हु हैड, ठीक है, हु हैड बीन, ठीक है, हु हैड बीन टीचिंग, पढ़ा रहे थे ना, तो टीचिंग हो जाएगा, और क्या, टीचिंग, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, हु हैड बीन टीचिंग, अच्छा टीचिंग किसको, टीचिंग हो रही थी, किसको पढ़ाया जा रहा था, तुम्हें, तो टीचिंग यू हो जाएगा, टीचिंग यू हो जाएगा। फिर बोला है एक सप्ताह से, बोला है तो अनिश्चित समय है, क्या लगा लेंगे भैया, फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर ए वीक, अच्छा वीक दो होते हैं यहाँ पर, ये मीनिंग आ गई है तो बता ही देते हैं। देखिए डब्ल्यू डबल ई के, ये शायद आपको पता होगा लेकिन तब भी बता देते हैं, शायद अन्य लोगों को ना पता हो, ठीक है, डब्ल्यू डबल ई के, वीक मीन्स होता है सप्ताह, ठीक है। अगर इस वाली ई के नीचे जो सेकेंड वाली जो ई है, अगर इसकी जगह हम ए बना दें, क्या बना दें, ए बना दें, तब भी वीक ही पढ़ा जाता है, लेकिन अर्थ चेंज हो जाता है, तब इसका मतलब हो जाता है कमजोर। अगर दूसरी वाली जो ई है, अगर इसकी जगह हम ए बना दें, क्या बना दें, ए, तब भी वीक पढ़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ चेंज हो जाता है, तब सप्ताह नहीं होगा, तब होगा कमजोर होगा, ठीक है, जो कमजोर व्यक्ति हो, ठीक है। तो वीक, तो वीक वीक एक ही होता है, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं ऊपर वाले सेंटेंस से, पहले पुलिस चोरों का पीछा एक घंटे से कहां, तो कहां मिला आपको वर्ड, तो हमने क्या लिख लिया, वेयर, ठीक है, वेयर, और हेड तो आपको लगा नहीं है, वो तो सहायक क्रिया चल रही है, तो हेड द पुलिस, कौन कर रही थी, पुलिस पीछा कर रही थी, द पुलिस। अब हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है, क्या लगाना है भैया, बीन लगाना है, तो पीछा कर रही थी, इसके लिए क्या लगाएंगे, चेजिंग, किसका, चोरों का, द थीप्स हो जाएगा, ठीक है। ये फटाके वी एस लगा, मतलब बहुवचन बनाया गया है, ठीक है, एक घंटे से बोला है ना, तो अनिश्चित समय, तुमने फॉर लगा लिया, तो फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर, ठीक है। तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा, तो कौन यहां पर सबसे पहले डब्ल्यू एस टाइप जो भी होगा हु लिख लेंगे, तो हु हैड बीन, या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है, ठीक है, तो हु हैड बीन पढ़ा रहा था, टीचिंग हो जाएगा, तुम्हें पढ़ा रहा था, टीचिंग यू हो जाएगा। एक सप्ताह से अनिश्चित समय, कौन से एक सप्ताह की बात, पता ही नहीं कौन से महीने एक सप्ताह बाद है ना, तो अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, तो फार ए वीक, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब लास्ट के दो सेंटेंस रह गए, बहुत प्यारे सेंटेंस है, बढ़िया सेंटेंस है और अच्छे सेंटेंस है, ठीक है, अभी देखना, ओके, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है, ध्यान रखना, जो आपके, ठीक है, जो वीडियो बहुत अच्छा लगे, हाँ, लास्ट के दो सेंटेंस रह गए हैं और, ठीक है, आप उनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। वह सुबह से हॉकी क्यों खेल रहा था, ठीक है, वह सुबह से, यह वह सुबह से हॉकी क्यों
क्यों खेल रहा था। ठीक है, वह सुबह से हॉकी क्यों खेल रहा था, वह सुबह से हॉकी क्यों खेल रहा था। ठीक है, अगला है, पुलिस डाकुओं को एक सप्ताह से क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही थी। पुलिस 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 डाकुओं को पुलिस पुलिस डाकुओं को एक सप्ताह से डाकुओं को एक एक सप्ताह से ठीक है एक सप्ताह से क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही थी। क्यों क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही थी। ठीक है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही थी। ठीक है, देखिए सेंटेंस, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। वह सुबह से हॉकी क्यों नहीं, सॉरी, वह सुबह से हॉकी क्यों खेला था। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, व्हाई। अब इसके बाद में हमें क्या लगानी पड़ती है, सहायक क्रिया, वही पुरानी वाली व्हाई हैड। ठीक है, वह तो व्हाई हैड ही, अब क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, तो व्हाई हैड ही बीन, ठीक है, व्हाई हैड ही बीन खेला था। तो खेलने के लिए क्या हो जाएगा, प्ले, यानी कि आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, क्या खेल रहा था, हॉकी, प्लेइंग हॉकी, या जो सी के ई वाई रहती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नहीं नहीं अभी कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा भाई, अभी तो सुबह से बोला है ना, तो ये तो निश्चित समय हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग अब आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसलिए रिवाइज करवाते हैं संडेस, कहीं पर कोई गलती ना रहे। ठीक है, अगला है, पुलिस डाकुओं को एक सप्ताह से क्यों नहीं, क्यों क्यों मिला आपको कीवर्ड, तो क्यों को कीवर्ड सबसे पहले लिखते हैं, व्हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाई। तो व्हाई हैड, वही पुराना वाला व्हाई हैड द पुलिस, ठीक है, व्हाई हैड द पुलिस, अब लगाएंगे बीन, लेकिन बीन लगाने से पहले इसको देख लो, नहीं लिखा है, यानी कि नॉट बीन होगा, क्या होगा, नॉट बीन। हमें सेंटेंस बनाते समय जो है हिंदी में जो वाक्य होता है उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पर कोई शब्द तो नहीं छूट रहा है। ठीक है, बच्चे ज्यादातर इसी में गलती कर देते हैं, कहाँ का सेंटेंस है, कैसे बनेगा, कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, व्हाई हैड द पुलिस नॉट बीन, अब देखो पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, तो गिरफ्तार करने के लिए क्या होती है, इंग्लिश अरेस्ट होती है, तो अरेस्ट में आईएनजी जुड़ेगी, तो इधर से बनाते हैं सेंटेंस। ठीक है, अरेस्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरेस्टिंग। अच्छा, किसको अरेस्ट नहीं कर रही थी, डाकुओं को। ठीक है, अरेस्टिंग द, ठीक है, अरेस्टिंग द बैंडिट्स, ठीक है, बैंडिट्स, और फिर बोला है एक सप्ताह से, अनिश्चित समय, तो फॉर ए वीक, डब्ल्यू डबल ई के रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो रिवाइज करते हैं सेंटेंस, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी, डाउट छोड़ेंगे ही नहीं, डोंट वरी। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। वह सुबह से हॉकी क्यों खेला, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई हो जाएगी। ठीक है, सहायक क्रिया क्या है, हेड, वह की इंग्लिश क्या है, ही, अब लगाएंगे बीन, वही हमेशा की तरह। ठीक है, कर्ता से पहले हेड, अब कर्ता के बाद में बीन, और कर्ता बेचारा इन दोनों के बीच में, ठीक है, फंस जाएगा, तो वाई हैड ही बीन। ठीक है, क्या कर रहा था, खेल रहा था, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहा था, हॉकी, तो हॉकी लिख दिया। सुबह से खेला, तो निश्चित समय क्या लगा लिया, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला देखिए, पुलिस डाकुओं को एक सप्ताह से क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही थी, तो क्यों आपको मिला, तो मैंने क्या लिख लिया, व्हाई, क्या लिख लिया, व्हाई। सहायक क्रिया क्या लग रही है, हैड, कर्ता क्या है, पुलिस, द पुलिस, फिर नहीं भी लगा है, तो बीन से पहले तो नॉट लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बीन से पहले नॉट रहेगा, बताया था नॉट के बारे में। ठीक है, तो नॉट बीन हो जाएगा, क्या, गिरफ्तार कर रही थी पुलिस, है ना, तो अरेस्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरेस्ट मींस होता है ए डबल आर ई एस टी, अरेस्ट मींस होता है, तो उसमें आईजी तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ठीक है, तो अरेस्टिंग हो जाएगा, किसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे, डाकुओं को, द बैंडिट्स, द बैंडिट्स, फिर बोला है एक सप्ताह से, यानी कि अनिश्चित समय है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर ए वीक। देखिए सेंटेंस तो बहुत सरल ही होते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप हम बनाते चले
तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही जो आपको सेंटेंस कठिन लग रहे हैं, यही सेंटेंस जो है बहुत आसान भाषा में आपको लगने लगेंगे, बहुत सरल लगने लगेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो समझ के तभी, ठीक है। अब यहाँ पर डाउकों पे थोड़ा विचार करते हैं। डाउकों इंग्लिश हमने यहाँ पर बैंडेड लिख दिया, क्या लिख दिया, लिख दिया बैंडेड, ठीक है, बैंडेड, ठीक है, बी ए एन डी आई टी है, बैंडिट है, ठीक है। तो बैंडिट यहाँ पे यस तो लगाना ही पड़ेगा, प्लूरल है ना, डाकू है ना, तो बैंडिट। इसकी एक और लिख सकते हैं हम, आउटला भी लिख सकते हैं, ओ यू टी आउटला भी लिख सकते हैं, ओ यू टी बता रहे हैं आप, ठीक है, ओ यू टी आउटला, ठीक है, ठीक है। एल ए डब्ल्यू ला में नियम होता है, आउट मतलब बाहर, जो नियम का उल्लंघन करता हो, ठीक है, डाकुओं की तरह एक तरीके से बोल सकते हैं आउटला। या फिर एक और होती जो बहुत ज्यादा, ठीक है, लोकप्रिय है, ज्यादातर बच्चे सब लोग उसी का प्रयोग करते हैं, रोवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रोवर, आप लोग सोच रहे होंगे सर रोवर नहीं बता रहे हैं और वो बता रहे हैं इधर उधर, ठीक है, तो नई मीनिंग सीखा करो तो और बेटर रहता है, रोवर पे ही अटके रहोगे, बाकी ये कब सीखोगे ये भी तो बात है, ठीक है। तो जितनी मीनिंग हो उतने और आगे सीखो तो और बेटर रहता है, इंग्लिश और अच्छी हो जाती है। मान लिया किसी ने कोई सेंटेंस बोला आपसे, ठीक है, आपको पता है रोवर मीन्स डाकू होता है, ठीक है, उसने बैंडिट बोल दिया, ठीक है, तब आप उसको ट्रांसलेट करने में अटक जाओगे, ठीक, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जितना हो सके उतना मीनिंग वोकैब जो होती है उसको और अच्छी कीजिए, उससे इंग्लिश आपकी और अच्छी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ सेंटेंस आप समझ गए होंगे, सब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बात फिर बता रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, धन्यवाद, ठीक है।